भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए लट्स को खास ये बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई शेडर में इधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है इस पे भाई देखो एक बारी तो कि मैं कह गया सभी लोग का शुभ बेस्ट में और आज हम लोग जा रहे वाले वापस से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर अगर तुम लोगों को याद होगा तो पिछले वाले वीडियो में भाई मैंने साढ़े नौ घंटे लगा के कैसे ना कैसे अपने पूरे ओशन मॉन्यूमेंट को ड्रेन कर देता और उसके चारों तरफ एकदम ग्लास की मस्त कवर लगा दी थी पर आज हम लोग जा रहे भाई उसको एकदम खतरनाक वाला ट्रांसफॉर्म करने इस वाले कम्युनिटी पोस्ट में मैंने तुम लोगों से पूछा था कि उसको कैसा बनाया जाए तो भाई तुम लोगों ने एकदम बढ़िया करके बताया था कि एंड सिटी मतलब 70 प्लस परसेंट बोल रहे हैं एंड सिटी पर फिर मैंने कमेंट चेक भाई हम लोगों को बताया कि वहां पर दो ना तीनों का एक बढ़िया बना दो तो आज भाई तुम देखो जो तुम्हारा भाई यहाँ पर सोच के आया हुआ ना कि हम कैसा बनाएंगे तुम देखते जाओ तुम्हें मजा नहीं आया ना तो बोला बाकी जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो जल्दी से हंड्रेड के लाइक का गोल लगा रहे और सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ मिलियन की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी करवा दो यार और चलते हैं वीडियो वीडियो की की तरफ को तो यार आज हम लोग से स्टार्ट करने वाले वो भी इनके चीखने से क्योंकि मैं लास्ट टाइम यहीं पर गया था मेरे को कुछ काम आ गया था वरना मैं ये कंप्लीट करके जाता मेरी शवल की एचपी बहुत कम थी और मैं बाकी सारी चीजों की भी एचपी बढ़ाने के लिए यहां पर आया हुआ था तो फटाफट से एक काम मिनट दो मिनट दो मैं पहले इनकी पूरी एच पी बढ़ाता हूँ और उसके बाद हम लोग चलते हैं और मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक बार पहले ड्रेंड ओशियन मॉन्यूमेंट पूरा का पूरा देखो तुम लोग यार लेकिन पहले जरा ये ये भी तो कर ले भाई मारो मत यार ऐसे बच्चे को मारो मत नहीं प्लीज चलो बढ़िया अपना हो गया काम धंधा खत्म भाई बहुत जल्दी करता है पता है ये मजाक से हटके ब्रो बहुत ज्यादा तेज लाइक मजा आ जाता है सही में आ, ये हो गया यहाँ पर और अब चलो यहाँ से फुटते हैं भाई फटाफट सीधे निकल ओ ओ अभी हो गया था भाई छूट गया था ये चलो फटाफट से चलते हैं और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा आगे है काम तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं वापस से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में जरा ऊपर ऊपर जान दो थोड़ा मैं स्टाइल तो मारूँ नहीं बिल्कुल नहीं जचता ही नहीं है इनको तो देखो भाई हम लोग आ चुके वापस अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर और हम लोगों को आज क्या करना है ना देखो आ, पहले हम लोग चलते हैं इस साइड को बना रखा है मैंने वो भाई जो ही हम लोगों को लाइक टाइम लगा था ना उसको ड्रेन करने में मेरे को तो हो रहा है कि आज जब हम उसको पूरा का पूरा रिक्रिएट करेंगे एकदम नया बनाएंगे तो क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता भाई हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके इसको पूरा ड्रेन आउट किया था और रुको मेरा सारा सामान उस साइड पर है ना तो उस साइड को चलते हैं थोड़ा सा प्लीज अरे चढ़ने दो थैंक यू सर देर वी गो ठीक है तो ये पूरा का पूरा मैं आज पहले सबसे पहली चीज सिंपल सी बात है मैं क्यों गया हुआ था अपने सारे के सारे टूल्स को लाइक वापस से रिप्लेनिश करने क्योंकि आज हम लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ेगा जो कि होगा हम लोगों को पहले ना ये देख रहे तो हो तुम लोग कैसे ऊबड़ खाबड़ हो रखा है सारा का सारा सैंड वैंड ये हमको पहले पूरा लेवल करना पड़ेगा ताकि दिखने का अच्छा लगे अभी देख रहे हो कैसा लग रहा है कूड़े में जैसे पता नहीं अपना वो पड़ा हुआ है वो दबा हुआ है कहीं से धसा हुआ है तो ये हम लोग पहले सही करेंगे इसको पूरा का पूरा एक लेवल पे लेके

ये वाला जो लेवल है ना इस लेवल तक का मैं इसको पूरा का पूरा समझ लो क्लीन कर दूंगा लाइक ये भाई देखो आवाजें आनी शुरू हो गई हैं और सबसे मेन चीज क्या है पता है यहां पर ना एक माइन शाफ्ट है वो कहां पर से है मेरे को याद नहीं आ रहा है बट यहां पर गारंटीड ये रहा देखो ये नहीं नहीं ये तो मैंने बना रखा था भाई उस साइड है क्या माइन शाफ्ट मैंने कहीं तो देखी है रुको जरा भाई मैंने कितना ही बड़ा बनाया हुआ है यार ये एरिया कसम से सि काम तो किया हुआ है मैंने भाई चाहे टाइम ज़्यादा लग गया बट ये दिखने का उतना ही खूबसूरत लगेगा क्योंकि सोचो ना पूरा एरिया ऐसे एकदम डेकोरेट होगा तो क्या लगेगा भाई यहाँ पर रहा हमारा पूरा पूरा माइंड शाफ्ट इसके अंदर हम लोग जा भी सकते हैं बट मेरे को वहाँ पर कुछ दिख गया है तो मैं वापस जा रहा हूँ जा रहा हूँ मैं स्केलेटन वाह जा रहा हूँ मैं मारो मत दोस्त देखो हम लोग क्या करेंगे हम लोग मेरा जो आइडिया है मेरा जो आइडिया है वो मेरे को लगता है कि बेस्ट आइडिया रहेगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं आज तक मैं पहले सोचा था एंड वाला बना देंगे पूरा का पूरा जो कि बहुत आसान भी होता टू बी ऑनेस्ट लाइक जब तुम एक ही चीज़ के ओवर बना रहे हो ना तो तुम्हें रहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर पुर पुर ब्लॉक्स लग जाएंगे और सारे का सामान हो जाएगा थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारी जितने जितनी जगह पर यह होता ना मैं यहाँ पर क्या करता पता यहाँ पर मैं वो लगाता क्या कहता है एंड रॉड लगा देता ये सारे काम हम लोग कर लेते बट मेरे दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना हम लोग इसको मिक्स बना दे ठीक है मैंने कमेंट सेक्शन देखा और मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम लोगों का आइडिया और तुम लोग भी बोल रहे हो यार अंशु भाई मेरे आइडियाज नहीं लेते तो ले लिया भाई तो हम लोग क्या करेंगे इसको पूरा का पूरा बाहर से ओवर ठीक है जमीन पूरी ओवर की बनाएंगे घास वास होगी यहाँ पर मस्त पेड़ वेड़ उगाएंगे लेकिन ये ये जो होगा ना पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट इसको हम लोग नेदर और एंड का एक ट्विस्ट देंगे वो भी मिक्स वाला जिसमें हमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमें सामान लेने के लिए एंड जाना पड़ेगा फिर नेदर जाना पड़ेगा फिर वहां से सामान लाना पड़ेगा बट एंड रिजल्ट भाई बहुत ज्यादा क्रेजी आएगा मेरे से लिख के ले लो तुम लोग जो ही ये खूबसूरत दिखने वाला है ना तुम भाई मानो या ना मानो भाई बहुत ज्यादा मजेदार लगेगा बाकी अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको पूरा का पूरा जो लेवल वाला काम मैंने बताया था वो लेवल वाला काम कर लेते हैं मेरे को बस दो मिनट दो ठीक है मेरे को बस दो मिनट दो मैं फटाफट से ये पूरा का पूरा एरिया साफ़ करता हूँ और सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है मुझे पता है कि इतने में मेरी शवल तो टूट ही जानी है ठीक है मतलब एच पी कम हो जाएगी टूटने तो नहीं दूंगा मैं बट इसकी एच पी कम हो जाएगी और सबसे बढ़िया बात क्या है ये वाला जो पोर्टल है ना ये करेक्ट हम लोगों को वहीं पर छोड़ता है तो हम लोग फटाफट से एंड में जाके अपना सारा का सारा लाइक वो भी बढ़ाएंगे लाइक इसकी बार बार हम लोग एच पी भी बढ़ाते रहेंगे तो मेरे को दो मिनट दो मैं आधे एक घंटे में आता हूं तुमको तो दो मिनट का ही दिखेगा खैर मैं आधे एक घंटे में आता हूँ फटाफट से इसको पूरा का पूरा साफ और लेवल करके तो यार मैं एक्चुअली थोड़ा सा ना अपने शुलकर फार्म में आया हुआ था लाइक थोड़ा शुलकर लेने के लिए मेरे को ये दिखा देखो यहाँ पर कितने सारे ये सब गिरे हुए भाई स्टैक के स्टैक पता नहीं कैसे यह यहाँ पर मर रहे हैं बट एक्चुअल मेरे को हुआ ना कि जितना भी कैल्प हमें मिला है ना ये कैल्प बहुत ज्यादा लाइक काम आ जाता है बाद में हमारे स्मेल्टिंग के बहुत सारी चीजें के काम आ सकता है मैंने सोचा कि के लिए थोड़ा सा सामान जमा कर लेता हूं भाई यहाँ पर क्या ही चल भाई इतने कौन बना लेगा तुम देखो नौ एक उसमें रो में होते हैं ये ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी मतलब कि पंद्रह स्टैक तुम्हारे सुलकर चेस्ट के चेस्ट के पंद्रह स्टैक इतना सामान जो भी बंदा जमा कर लेगा ना भाई मैं तो मान जाऊंगा भाई उसको भाई ये बहुत ही सही काम कर रहा है भाई गॉड कह रहा हूँ ये एकदम ना परफेक्ट चीज है भाई ये एकदम परफेक्ट चीज है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई ये बहुत मस्त है और अभी के लिए तो हम लोग चेस्ट वेस्ट लाना भूल गए थोड़ा सा तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी तो गाई यार देखो मैं सारा का सारा सामान तो लिया बट मेरे को ना एक चीज़ और करने का मन किया रुको जरा कहाँ गया कहाँ गया कहीं पर तो रखा होगा मैंने घेरा ठीक है तो अपने पास थोड़ा बहुत कैक्टस पड़ा हुआ है इनमें से कोई अगर खाली हो तो प्लीज चलो छोड़ो अभी के लिए यही रख देते हैं कैक्टस का है मेरा ये रहा ठीक है तो इससे हम लोग फटाफट से थोड़ी तो डाई बना लेते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ ग्रीन बनाने के ताकि मेरे को पता रहे कि लाइक उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है और क्या नहीं है कॉबल हम लोगों को मे भी चाहिए होगा बट रुको जरा पहले ये ग्रीन डाई आने दो तो एक बार एक आ गई चलो बढ़िया और हम लोगों को चाहिए थोड़ी सी और भाई सीधी सी बात है कैल्प ना बहुत काम रहता है पता है अभी मतलब इतना नहीं लग रहा है बट कैल्प हम लोगों को चाहिए होगा रुको जरा मैं तुम्हें भी समझाऊंगा क्यों पहले हम लोग ये कर लेते हैं ठीक है मेरे को आ, दो चाहिए होंगे ग्रीन शुल्कर ठीक है वी गो यहाँ पर रखते हैं बाद में मैं गारंटीड कैल्प का भी एक तगड़ा वाला फार्म बट अभी के लिए नहीं अभी के लिए अपना काम धंधे पर जरा फोकस करते हैं सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और कैल्प का भी फार्म बना लूँगा चलो ये हो गया सारा का सारा मैं अभी के लिए इन चेस्टों को ना लाइक यहाँ नहीं रख रहा हूँ ले के तो अपने साथ ही जा रहा हूँ मैं और स्पॉन्ज की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी स्पॉन्ज मैं वहाँ वाले किसी चेस्ट में रख दूंगा तो अभी फटाफट निकल अला कैल्प भी दे दो ये इसको यहाँ पर रख के इसमें भी अला कैल्प डाल देते हैं और इन कैल्प को मैं रख देता हूँ ठीक है ये लो अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट से और काम भी हम लोगों को करना है वहाँ पर और बैठ तो वहां पे लगाए हुआ है तो वहीं सो जाएंगे तो सीधे जाते हैं और अब तो मैं तुम लोगों को पूरा क्लीन करके ही मिलूंगा भाई मेरे पास थोड़ी तो इन्वेंट्री में जगह नहीं थ्रा मैंने सोचा कि जो हमें अंटसंट सामान मिला ना अच्छा वाला थोड़ा मतलब जो हमारे काम आ सकता है जैसे कैल्प हो गया या फिर और भी हम लोगों को क्या पता भी क्या क्या मिलेगा हम लोग थोड़ा यहाँ से ब्रिक ब्रिक सीधी सी बात है ना हम लोगों को जो है अभी उसको तोड़ना पड़ेगा तभी तो हम लोग नया बना पाएंगे आ, रुको 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 जरा हमें आने दो देर भी को ठीक है तभी तो हम लोग नया भी बना पाएंगे तो मेरे को दो मिनट दो मैं पहले सारा का सारा सामान रुको इधर से उधर कर दूँ यहाँ थोड़ा ये ये तो अपना सारा काबल स्टोन है ये इस वाले में से ना हम लोग को थोड़ी सैंड निकालनी पड़ेगी और इस सैंड को हम लोग निकाल के इसमें हम लोग स्पॉन्ज भर देते हैं और बाकी थोड़ी बहुत और सैंड डाल देते हैं और बाकी की सारी सैंड फेंको भाई मैं तो सच्ची बता रहा हूँ अरे मैं उब गया हूँ भाई इतनी सैंड देख लिया ना मैंने मैं उब चुका हूँ सैंड से अब मैं मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची में यार थोड़ा सा ना सैंड अब बोर मार रही है <laughs> बोर क्या मार रही है तुम तो समझो ना यार सैंड ही सैंड भाई इतनी जमा कर दी इतनी सारी ले आया क्या ही चल रहा है भाई एट दिस मोमेंट क्या बोलूँ अभी फायर वर्क तो हम लोग जेब में डाल देंगे इस सैंड को यहीं रख देते हैं बिकले ये हमारे पास हो गया ये एंटरपल हम लोगों को नहीं चाहिए होंगे कॉन्ड्यूट भी इसी में डाल देते हैं बिकले बस खत्म ठीक है अभी के लिए अपना सारा का सारा हम सामान जो हम लोगों को लाइक नहीं चाहिए था वो हम छोड़ के आ गए हमारी इन्वेंट्री खाली है एकदम और अब हम लोग इसको सीधे करने लगते हैं वरना मैं ऐसे ही फालतू के कामों में ही पूरा पूरा अपना टाइम बर्बाद कर दूंगा तो मेरे को तो दो मिनट गाइज मैं आता हूँ एक दो घंटे में ये पूरा का पूरा लेवल करके इस लेवल तक का ठीक है बस मेरा ध्यान फिर से ना भटक गया जैसा अभी थोड़ी देर पहले भटक गया था भाई मैंने कहा कैल्प तो संभालनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे चाहिए ग्रीन सुलकर ही देख रहे हो <laughs> गाइस यार मैं गधों की तरह काम करने में लगा हुआ था लगा हुआ था और मेरे को तभी समझ में आया हेलो मैं अपना बीकन क्यों नहीं लेके जा रहा हूं भाई यहां पर से लिटरली भाई कुछ तो दिमाग में मेरी दिक्कत है मेरे को फील होता है कभी कभी ठीक है ना मैं मान लेता हूं ठीक है भाई मेरे पास लिटरली एक बीकन पड़ा हुआ है और मैं मैं गधों की तरह वहां पर बिना बिना लाइक उसके किसी किसी बीकन के बिना किसी के चीज लगा पड़ा था लगा पड़ा था तब से फिर मेरे को हुआ कि यार क्यों ना मैं अपना बीकन ले थोड़ा तेज हो जाएगा काम स्पीड या फिर माइनिंग दे दूंगा वैसे तो हेस्टी फायदेमंद है लेकिन फिर भी मतलब तो फटाफट से अब ये बीकन भी ले जाते हैं उसके बाद जाके क्लीन करूंगा वरना मेरे को एक डेढ़ घंटा लग जाएगा भाई बिना बीकन के अब हुई ना बात गाइस देख रहे हो अब क्या ही स्पीड में तोड़ेगा तुम्हारा भाई तुम देखते जाओ भाई अब दो मिनट का काम दो मिनट का तो काम अभी भी नहीं है खैर लेकिन एटलीस्ट भाई ये देख रहे हो क्या पूर्ति से होगा अब सारा का सारा काम तो यार फाइनली अपना सारा का सारा काम हो चुका है मैंने अपना पूरा का पूरा जो थाना उधर वो पूरा का पूरा भर दिया है और बाकी अपने सारे के सारे टूल्स भी हम लोग रिप्लेनिश कर चुके हैं तो अब हम लोग सीधे जाते हैं देखो मैंने कायदे से वो अरे यार नहीं यार नहीं नहीं बेटे हाँ मत जी बहुत मारता हूं मैं ये देखो हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा जो था ना वो पूरा भर दिया है ठीक है तो अभी देखो मतलब भर नहीं दिया सॉरी उल्टा खाली कर दिया हमने पूरा का पूरा ठीक है तो देखो ये ना कुछ ऐसा लग रहा है अभी के लिए ठीक है एकदम खाली खाली सा है थोड़ा मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि सी सी बात ना आड़ा टेड़ा पटांग कुछ भी इसमें अभी चल रहा है तो उसकी वजह से इतना कूल नहीं लग रहा है तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं तुम लोगों को एक और बार प्लान बताता हूँ जो कि मैं तुम लोगों को वैसे बता चुका हूँ बट फिर भी एक और बार बताता हूँ देखो हम लोग क्या करने वाले इसको पूरा नीचे से ओवरवर्ल्ड बनाएंगे ठीक है इसमें हम लोग पेड़ उगाएंगे मस्त करके एकदम कूल सा बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है और बाकी जो मेन एकदम वो होगा ना ये इसको हम लोग पूरा चेंज करेंगे एकदम नेदर और उसका फील देंगे लाइक एंड और नेदर का मिक्स फील देंगे एकदम कूल सा लाइक मे भी ऐसा सकता है जहाँ परिजमेन ब्लॉक्स है वहाँ पर हम लोग लाइक दो तीन ब्लॉक अलग अलग लगा दें पुरपुर ब्लॉक्स लगा दें थोड़े ग्लो स्टोन लगा देंगे थोड़ा कुछ कूल करेंगे और यही मैंने सोच रखा है बाहर की लेन के लिए भी वो भी मैं तुम लोगों को भी बताता हूँ कुछ कूल सोचा हुआ है मैंने और बाकी पूरा रेडी है ठीक है पूरा रेडी है बस अब ये काम करना स्टार्ट करना है एक तरह से अब हम लोग रेनोवेशन इसका स्टार्ट करने वाले पूरा इसको रिक्रिएट करेंगे हम लोग भाई बहुत ज़्यादा कूल cool और हौसम awesome लगने वाला है तुम लोग रेडी रहो बाकी ये देख रहे हो मैंने क्या कहना है थोड़ा सा आलसी होता है मैंने कहा इसको तोड़ते नहीं है विकले जब हम लोगों को लाइक वो करना होगा क्या कहते हैं जब हम लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा दोबारा से जब तभी करूँगा इसको ताकि समझ लो एक बारी का काम हो जाए दो बारी का थोड़ा तो आज इंसान हो जाता है यार तुम मानो यार थोड़ी हल्की हल्की तो मानो मेरी ठीक है तो अब हम लोगों को क्या करना है कहीं यहाँ वाला काम अपना कंप्लीट हो चुका है ठीक है दो मिनट के अंदर बीस सेकेंड दो सेकेंड जो भी तुमने जितनी देर में भी इसका बुक करके ट्रांजिशन देगा तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग क्या करने वाले पहले ज़मीन पूरी की पूरी लाइक ग्रास से भरने वाले हैं तो हमारे घर की साइड को है ये देखो भाई मेरे को तो पूरा याद हो गया भाई अभी कहाँ पर है ठीक है हम लोगों को अब फटाफट -पड़ से घर जाना है और सारा का सारा डर्ट रुको यार घर से नहीं उठाते भाई घर के आसपास से अगर हम लोग डर्ट को हटाएंगे ना तो सीधी सी बात है कि हम लोगों को फिर गंदा दिखता ना है और गड्ढा जैसा दिखेगा हो तो हम लोगों को डर्ट चाहिए बेसिकली तो हम लोग किसी आइलैंड आइलैंड पे जाते हैं यहाँ पे मैंने याद तो आ रहा है मेरे को जंगल बायोम है यहाँ पे कहीं पे लेकिन कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा और यार रात और ही कायदे से मैं सो के निकलना चाहिए मैं हूँ तो मैं बेवकूफ़ ही भाई ठीक है तो अरे रुको रुको एक और चीज़ हम लोगों को ढेर सारे चेस भी तो लेके आने पड़ेंगे ज़मीन भरने के लिए वो भी तो चाहिए हो गए सारा रुको एक ग्रीन हैवेस चलो ठीक है भाई अब नहीं अब नहीं आऊँगा मैं वापस पक्का प्रॉमिस यार मेरे सारे के सारे मेरे सारे के सारे रॉकेट भी ख़त्म हो गए बस यहाँ से वहाँ उल्टा उल्टा से यहाँ अब तो मैं यहीं से लेके आ रहा हूँ भाई भर के लेके आ रहा हूँ मेरे ख्याल से सात आठ स्टैक में जमीन तो एटलीस्ट अपनी लैंड की मतलब उसकी ग्रास की हो जाएगी तो भाई मेरे को दो मिनट दो फटाफट फड़ से यहाँ से पूरा का पूरा एक शुलकर भर के हम लोग ग्रास ब्लॉक लेके जाते वैसे ग्रास ब्लॉक नहीं मेरे शायद से शबल में यप इसमें कुछ नहीं ऐसा सिल्वर वो वाला बट हाँ ईजी है ग्रास ब्लॉक तो मैं उठा ही लूंगा एक ग्रास ब्लॉक तो चाहिए हम लोगों को एक दो ग्रास ब्लॉक ही तो चाहिए बाकी वो फैल तो जाती हैं खुद से यार मत करो यार प्लीज उर्दू को भाई इनको कुछ तमीज़ अमीज नहीं सिखाई गई इनके घर वाले ने बदतमीज कहेंगे और अभी के लिए ना आर्मर भी चेंज कर लो भाई ये लोगों ना बहुत वो करते हैं बीटी करते हैं और सारा का सारा जितना भी मेरा ये सैंड फ़ूंड है ना ये सारा फेंको भाई इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को बिल्कुल भी तो गाइज यार फाइनली मैंने सारा का सारा जितना डर्ट हम लोग ले सकते थे लाइक सारा का बहुत ज़्यादा ही डर्ट ले लिया हम लोगों ने कायदे से मतलब ज़्यादा तो क्या ही होता है खैर क्या पता ये भी कम पड़ जाए बट हाँ अभी के लिए अपने पास सारा का सारा डर्ट आ चुका है और अब हम लोगों को क्या... यार हेलो अच्छा भाई अजीब सी चीज़ भी मैंने कहा है ही नहीं मिल रहा है मारने के बाद भी अब देखो अब क्या सीन है हम लोगों का हम लोग यहाँ पर देखो हम लोग एक एक करके आएंगे, इससे अभी हम के सारा के जरा सामान एक ही साथ ले गए बहुत सारे ट्रीज के सैपलिंग्स भी लेके आ गया सीधे यहां पे पेड़ उगाने वाले टाइम पे पेड़ भी उगा जल्दी जल्दी ठीक है अब हम को क्या करना है बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना पहले पूरे के पूरे एरिया को नॉर्मल डर्ट से ही भर देते हैं ठीक है तो मैं क्या करूंगा पूरे के पूरे एरिया को पहले नॉर्मल डर्ट से भर देंगे फिर लास्ट में मेरे ख्याल से मेरे को दो तीन चक्कर से ज़्यादा ही लग जाएंगे भाई मेरे को एक दो बार और लेके आनी पड़ेगी डर्ट क्योंकि देखो इतना मेरे पास इन्वेंट्री में और उसके बाद एक मेरे पास भर के वो है शुलकर बॉक्स है जो कि ट्वेंटी सेवन स्टैक्स होता है गेस तो मे भी मेरे को और अरे यार इनको हाथ से हटा दो पहले भाई बर्बादी मत करो बड़ी मुश्किल से तो बन रहे हैं यार ये Uh, ये हो गया ये हो गया इसको भी हटा देते हैं तो हम लोग फटाफट -फड़ से मतलब मैं फटाफट -फड़ से इसको पूरा का पूरा ऐसे डर्ट लगा के आता हूँ तुम लोगों से मिलता है दो मिनट के अंदर अब पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई मैं सही बता रहा हूँ पता क्या हो रहा है जब मैं इसको री वो कर रहा था ना लाइक जब मैं इसको खाली कर रहा था तब मेरे को ना एक ही काम था जो कि था इसको खाली करना या फिर जा से थे ये इसमें मेरे को इन चीज़ों में टाइम लगा अब क्या हो रहा है पता है आप मेरे को एक छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ रही है लाइक कैसे बोली यार अभी देखो अभी हम लोग डर्ट लेके आ गए जिसमें हम ओवर वर्ल्ड का पूरा का पूरा ज़मीन बना रहे हैं उसके बाद हम लोगों को नेदर जाके सामान लेके आना पड़ेगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम इसकी वजह से लग रहा है कि हम लोगों के पास एक काम नहीं है मतलब एक काम तो है लेकिन वो काम अलग अलग जगहों में जाके कम्प्लीट हो रहा है तो तुम समझ रहे हो वो कितना ज़्यादा लाइक कैसे बोलो यार कितना ज़्यादा बार बार वाला काम हो जा रहा है एक तरह से भाई तो मेरे को थोड़ा टाइम दो मैं आता हूँ फटाफट से इसको पूरा का पूरा डर्ट से भरने के बाद दो, दो मिनट में आता हूँ दो मिनट में यस टू मिनट्स ओनली मैगी बना रहा हूँ ना मैं तो यहाँ पे दो मिनट में

इतनी जल्दी ये दूसरा पैच भी बन गया है तो ये सही चीज़ है कि हम लोग ना इसको ऐसे छोड़ देते हैं ये अपने आप पीछे बैक एंड में होते रहेगा होते रहेगा होता रहेगा और हम अपने यहाँ पर काम करते रहेंगे तो चलो बस यही चीज़ तुमको बतानी थी बीच में और बाकी अब दोबारा से मिट्टी लगाएंग एन लगाएंग एंड लगाएंगे तो यार फाइनली तुम्हारे भाई ने पूरा का पूरा का जितनी भी जमीन थी ना वो कर दिया लाइक थोड़ा अभी काम चल रहा है मतलब धीरे धीरे करके वो डर्ट सारी की सारी लाइक वो बन रही है ग्रास ब्लॉक बन रही है बाकी मैंने थोड़ा सा यस ये देखो भाई यहाँ पर स्लाइम आ रहे हैं तुम समझ रहे हो ना भाई हम लोगों को लिटरली यहाँ पे स्लाइम का मैं तो ही बना देते हैं ठीक <laughs> है ये थोड़ा ज्यादा हो गया बट स्टिल देखो मैंने क्या किया मैं थोड़ा बहुत नीचे से जाके मतलब नेदर रैक लगा दिया इसमें मैंने और बाकी ये देखो पूरा का पूरा थोड़ा मैंने ऐसा व्यू दिया है लुक दिया है बोल सकते हैं रुको मैं तुम को अच्छे से दिखाता हूँ मैंने थोड़ा सा ऐसा लुक दिया मैंने इसको कि यह ऐसा लगे कि नेदर रैक नीचे से समझ रहे हो तुम लोग ऐसे बाहर को निकलने की ट्राई कर रहे हो और बाकी ये तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये क्या गड्ढे कर रखे ये अभी धीरे धीरे करके हम जब पिलर पूरा भाई साहब कितना बड़ा सुलाई में यहाँ पे मर जा दोस्त मेरे मुझे स्लाइम दे जा पर प्लीज नहीं अरे यार ये अरे बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया लाभ ला ला निकालो भाई स्लाइम निकालो वेरी गुड तो भाई हम लोगों ने पूरा का पूरा कर दिया है बट यस अब काम करना है स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट लाइक अभी पेड़ वेड़ भी उगाऊंगा तुम लोग टेंशन मत लो ठीक है इससे पहले तुमने बोले एक मिनट यार पेड़ वेड़ उगाएं नहीं एक काम और कर सकते हैं पता है क्या अगर तुम लोग बोल ही रहे हो अब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो भाई से तो भाई भी थोड़ा काम कर ही देगा ना रुको मैं ये करता हूँ थोड़ा सा ना यहाँ पर एक काम करते हैं जब तक हम लोग सीधी सी, सी बात है कुछ और काम कर रहे हैं ना तब तक ये पेड़ थोड़े बहुत उग जाएंगे राइट तो हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे करके पेड़ उगाते हैं और उसके ऊपर से भी कम हो रहा है क्या ना एक मिनट या जंगल सेपलिंग चार नहीं जंगल सेपलिंग तो उग जाता है अकेला भी जंगल सेपलिंग नहीं वो होता है दिक्कत देता है क्या कहते हैं तुम्हारा डार्क ओक का जो होता है ठीक है डार्क ओक थोड़े प्रॉब्लम देता है बट जंगल सैपलिंग तो उग ही जाते हैं ठीक है ये हो गया और मेरे को ना अलग अलग टाइप के ट्रीज हर जगह पे चाहिए तो ये हो गया और ये हो गया भाई कितने टाइप के ट्रीज होते रहे माइन क्राफ्ट में ये अकेशिया भी चाहिए थोड़ा और ओक थोड़ा और जंगल थोड़े बर्चेस बर्चेस के बीच में और जंगल थोड़े और ओक थोड़े और ये अकेशिया थोड़ा स्प्रूस और स्प्रूस का तो एक बड़ा वाला उगना चाहिए भगवान प्लीज़ यार लंबा वाला उगना वी गो ठीक है बाकी पीछे को देखते हैं नहीं अभी तक तो बिल्कुल नहीं उगा ना ये भी थोड़ा ऐसे कर देते हैं जंगल बचे हुए थोड़े बहुत और बर्चेस लगा देते हैं और भाई ये फिर से आ गया एक और और यहाँ पर ना ऐसे करके एक चार वाला ये थोड़ा सा और आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पर जाके भी एक चार वाला उगा देते हैं इनके बीच में थोड़े अकेशिया आ जाएंगे अरे इतना भी बीच में नहीं भाई थोड़े ही अकेशिया यहाँ पर ऐसे करके लगा देंगे आड़े तीढ़े में मतलब तो ओवरऑल काफ़ी कूल सा लुक आने वाला है मेरे ख्याल से आप देखते हैं अभी कैसा जाएगा और तब तक का मैं जरा अपने स्लाइम तो इकट्ठा कर लो भाई जब फ्री का मिल रहा है तो छोड़ो मत मैं तो साफ बोल लो भाई अगर फ्री का मिल रहा है तो छोड़ो मत बढ़िया आओ भाई आओ स्लाइम के बच्चे मार के हमें स्लाइम मिल रहा है भाई शर्म नहीं आ रही होगी चलो बढ़िया अपने पास कितना भाई थर्टी फोर स्लाइम जमा कर लिया हम लोगों ने भाई मज़ा आ गया यार कसम से फूड रख लेते हैं थोड़ा सा अपने पास सही है ना हम लोगों को पता क्या होगा जब तक हम लोग अपना बाकी का काम करेंगे हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि क्या ट्रीज ज्यादा लग रहे हैं कम लग रहे हैं कुछ काटने पड़ेंगे कुछ लगाने पड़ेंगे वो हम लोगों को पूरा का पूरा पता चल जाएगा जब तक हम लोग लगे अपना पूरा, पूरा का पूरा काम बाकी का कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत बर्च लगाते हैं वैसे फ्रंट व्यू में बर्च अच्छे नहीं लगेंगे बर्च ना मेरे को इतना एज ए ट्री अच्छा नहीं लगता कूल सा नहीं लगता बहुत ठीक है बाकी ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है अब देखो तुम्हारे भाई ने क्या सोचा हुआ है ठीक है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ हम लोगों ने जो सोचा हुआ है वो ये है कि देखो जहां जहां पर भी ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना मैं इनको पूरा का पूरा चेंज करके भाई यहाँ पर लगाने वाला हूँ तुम्हारा पूरा का -पूरा, पूरा वो आ, श्रूम लाइट्स ठीक है ये पूरी की पूरी श्रूम लाइट्स होंगी जहां जहां पर तुम्हें ये प्रिजमरीन ब्लॉक दिख रहा है नहीं ये प्रिजमरीन तो ये है इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया ये भी शायद से प्रिजमरीन ही होता है तो

पूरा ब्लैक स्टोन की वॉल से ऊपर का जो एरिया है जो ये वाला एरिया है ये ये हम लोग पूरा का पूरा पुरपुर ब्लॉक से भरेंगे ये वाला ना ये एरिया पूरा पुरपुर ब्लॉक से भरेंगे ताकि ये दूर से देखने में ऐसा लगे कि अजीब सा थोड़ा एक तो वो पर्पल ना थोड़ा पर्पल पिंक टाइप का होता है तो क्या पता ब्लैक के ऊपर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा भगवान प्लीज हमें मेहनत करा मत करना अच्छा लगेगा तो कूल है फिर नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी जितनी भी ये है ना ये ये हम लोग ब्लैक स्टोन के उससे बनाएंगे लाइक चिजल्ड ब्लैक स्टोन या फिर ऐसी किसी चीज से बनाएंगे जिससे प्रॉपर वॉल्स लगे मतलब सॉरी प्रॉपर पिलर्स लगे इसके सारे के सारे जितने भी पिलर्स दिख रहे हैं ना तो हम लोग को बेसिकली सबसे पहले हम लोग जाते हैं और ढेर सारा ब्लैक स्टोन लेके आते हैं ठीक है मेरे को नैर वो भी चाहिए होगा क्या कहते हैं नैदर की ब्रिक्स भी चाहिए बट मेरे ख्याल से पहले मेरे को ढेर सारा ब्लैक स्टोन लाना चाहिए और मेरे को पता है ब्लैक स्टोन कहाँ मिलेगा देखो तो ब्लैक स्टोन अगर तुम लोग को चाहिए तो या तो फिर तुम बेस्ट ढूंढो और या तो फिर सबसे बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से हम लोग अगर कोई वो ढूंढ ले क्या कहते तो बे, बेसा बेसाल्ट रीजन ढूंढ ले बेसाल्ट मुंह के आगे पड़ा हुआ है भाई चलो फटाफट से जाके बेसाल्ट में यार एक मिनट रुको लेकिन मैंने एक गलती कर दी चलो ठीक है कोई नहीं कोई नहीं एक, एक अभी के लिए एक उसमें ले आते भर के मेरे ख्याल से हो भी जाएगा यार हाँ एक आई थिंक एक शुल्कर बॉक्स में भर के अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा काम एक काम करते हैं कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और मोस्ट ऑबली मैं तो बोलूँगा नीचे को खोदेंगे ना तब जाके हमें ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे तो मेरे को दो मिनट दो दोगा इसमें फटाफट से ढेर अरे 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 मुरी भैया भागो 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 बढ़िया भाज गए थोड़ा सा नीचे खोदना पड़ेगा ऐसे में तो ये हमें लाइक चप पुस कर देगा ना और मैं तो एक काम करता हूँ यार मैंने शायद से कहीं पर तो देखा हुआ है बट रुको मैं जाके देखता हूँ एक बार मेरे ख्याल से मैंने कहीं पर तो देखा हुआ है यहाँ कहीं पर ना एक वो भी है हाँ याद आ गया यस भाई मेरी मेरा दिमाग बहुत तेज है भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें यार मेरा दिमाग बहुत तेज है भाई मेरे को याद आ गया एकदम इंस्टेंट याद आया है ना जो यहाँ से जाके यहीं पर कहीं पर रुको जरा यहीं पे कहीं पे है यहीं पे कहीं पे पक्का प्रॉमिस भाई मैंने देखा हुआ है जब मैंने देखा हुआ है तो मैं भूल नहीं सकता भाई मैंने यहीं कहीं पे देखा हुआ है एक बेस्टियन है यहां पे कहीं पे बेस्टियन कहां पर है कहां पर है कहां पर है यहीं कहीं पर है वो देर वी गो गाइस मिल गया देखा तुम्हारे भाई ने देखा था भाई अगर मैंने देखा है तो मैं भूल नहीं सकता ना ऐसी चीज़ है बस ये चीज़ थी कि मैंने बोला था बहुत पास पे बट ये बहुत ज़्यादा पास तो नहीं था कहीं से कहीं तक भी ठीक है ये कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली दूर था उल्टा तो एक काम करते हैं मेरे को दो मिनट दो मैं यहाँ पर सुनो जितनी ज़्यादा हो सकती है ब्लैक स्टोन की भाई सीधे ब्रिक्स ही मिल रही है यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो तो मेरे को दो मिनट दो मैं फटाफट से जितनी ज़्यादा हो सकती है तो ज़्यादा इकट्ठा करता हूँ वैसे कायदे से जिस हिसाब से हमें चाहिए ना मेरे को शायद से नहीं भी तो मान के चलो कि हम लोग अगर 10-15 स्टैक जमा कर लेना तो अच्छा ही रहेगा बाकी देखते हैं कितने जमा हो पाते हैं कितने इसके अंदर है मैं तो पूरा बेस्ट खोद दूंगा भाई अगर मेरे को जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा पूरा बेस्टिन ही खोद दूंगा ओ भाई भाई यहाँ पे पिगलिन शिगलिन है भाई पिगलिन भी नहीं ये वो है क्या बोलते इसको ब्रूट पिगलिन बेटा तेरे को बताता दो बढ़िया भाई बढ़िया इसका मतलब कि यहाँ पे खजाना भी होगा ये भी सही है ओके बोलते अरे ये भी बढ़िया भाई गिल्डेड स्टोन ये भी हम को चाहिए ही था नाइस है ये क्या क्या मिला मिला बैनर मिला क्या? ओ तो हम लोग को स्नाउट वाला बैनर पैटर्न भी मिल गया भाई यार क्या किस्मत है यार अरे नीचे और ब्रूट है भाई एक और ब्रूट है नीचे नहीं जाना है मेरे को मेरे को नहीं जाना है प्लीज यहाँ बदतमीजी मत करो अरे उनको ऊपर थोड़ी ना बुलाना था मुझे नीचे नहीं जाना मतलब उनको ऊपर बुला लेगा क्या मिनट ये ये ओ ट्रेजर है ना भाई यहां पे? ओ भाई मिनट पे पे ओ ये ट्रेजर है और यहाँ पे ब्रूट पिगली भाई क्रॉसबो मिल गई फ्री लेट्स गो स्पेक्ट्रल एरो फूड ओके नाइस ओ ये रख लो भाई बोन ब्लॉक रख लो इससे हम लोग ओ भाई बढ़िया गिल्डेड स्टोन और ऑप्शियन भी रख लेते क्या पता इससे कुछ बना दे ये हो गया थोड़ा आयरन आयरन पहन देते हैं भाई आयरन खाली बाद में बीटी ओ, ओ, ओ बूट बूट्स बूट्स बूट। ये बूट्स अभी पहन लेंगे भाई बहुत परेशान कर रहे हैं यार पिछले बार बारेस को और सोल स्पीड वाले बूट ले लो ना फिर फ्री के मिल ही रहे हैं तो बढ़िया है भाई और और है क्या और है क्या यार दो होते हैं ना चेस्ट रूम में तो रुको जरा ओ, यस है वहां पर चेस्ट है वहां पर चेस्ट है नाइस ओए कौन मारा व्हाट ओ भाई यहां पर है ब्रूट गारंटीड यहां पे ब्रूट है रुक जाओ हैं वो वहां फंसा हुआ है भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए लेट्स गो गाइस एन्चांटेड गोल्डन एम्बर सिल टच वाली डायमंड पिकैक्स खाने का खाना एंशिएंट टेंपरेस एन्चांटेड गोल्डन ओ एक और बैनर वाओ ओके नाइस रुको 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 भाई सबसे पहले इसको डालो इसमें भाई इसको डालो इसमें प्लीज़ भगवान इधर उधर कहीं मत जाना ठीक है मैं तेरे को बता रहा हूँ बहुत मार खाएगा प्लीज़ इसी में रहना भाई फटाफट फड़ से ये तोड़ो मेरे को यहाँ से निकलना है भाई जल्दी जल्दी तोड़ो भाई अब इसको मेरे को कम से कम कितने चाहिए दस टैग के आसपास मैं सोच रहा था ना दस टैग के आसपास जमा करेंगे भाई दस टैग जमा फटाफट जमा करो भाई टॉर्च कहाँ गए मेरे ठीक है दस टैग फटाफट से जमा करो और उसके बाद निकलो भाई यहाँ से भाई एंचॉन्टेड गोल्डन एप्पल वो भी तुक्के से मिल गया भाई मैंने स... मैं तो यहाँ पे खाली ब्रेक व्रेक जमा कर रहा था मैंने कहा ठीक है भाई थोड़ा यार ठीक है थोड़े चेस्ट वेस्ट देख रहे हो कुछ सामान मिल जाएगा भाई मेरे ध्यान में भी नहीं था कि इधर भी इंचांड गोल्डन एप्पल मिल सकता है भाई अब पता है मेरे को ना लक्की फील हो रहा है यार मेरा मन क्या कर रहा है पता है? अब भी दौड़ के जाऊँ और वो जो हमारे घर के नीचे माइन शाफ्ट है ना भाई वहाँ पर भी एक बार खोद डालू यार पूरा देख लेता हूँ कि वहाँ पर भी क्या पता किस्मत हमारी इतनी तगड़ी हो कि वहां पर भी हमें एंचान्टेड गोल्डन एप्पल मिल जाए भाई अरे ये क्या हुआ भाई क्या से क्या हो गया तो यार फाइनली मैं सारा का सारा सामान लेके आ गया और देखो हमारे कुछ पेड़ वेड़ भी थोड़े बहुत उग चुके हैं तो अब एक काम करते हैं सबसे पहले जो चीज मेरे को करनी थी वो हम लोग करेंगे मैंने क्या बोला तुम लोग से पिलर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट क्योंकि ना पिलर्स कुछ आधे आधे ये ऐसे हो रखे ना तो ये सबसे ज्यादा गंदा लग रहा है एट दिस पॉइंट तो मैं काम करूंगा जितने भी हमारे पास ये थे ना इसके हम लोग या तो देखो पिलर्स बनते नहीं है ठीक है तो या तो हम लोग ऐसा कर सकते कि मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसे कर सकते देखो मैं जो सोच रहा हूँ अरे 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 भाई तो जो मैं सोच रहा हूँ वो ऐसे कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया भाई तोड़ देना पूरा ही तोड़ दे इसको बस ऐसे तोड़ना देख लो एक तो ये भाई हेज टू क्या ही खतरनाक स्पीड दे रहा है यार डैम रुको इसको पहले मैं पूरा का पूरा तोड़ देता हूँ एक बारी मैंने इसीलिए तोड़ा था लास्ट टाइम की थोड़ा यू नो जिससे मैं काम होगा उस टाइम पे तोड़ेंगे लेकिन अब मैं बेवकूफ हूँ मैंने कायदे से तोड़ देना चाहिए था मेरा सारा प्रसिस्मरी मिल जाता मैं कोई शुलकर बॉक्स में भर देता मेरी जगह नहीं भरती है राम कोई बात नहीं ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे आ, हम लोग इसको ऐसे करके बना देंगे एक बारी मैं सोच रहा हूँ देखो या तो फिर इसको ऐसे करते देखो ये है ठीक है इसको ऐसे करके जो ये ऑइंक ऑइंक पिघलन वाले मुंह वाला ये है ये देखो ये कर दिया अब इसके चारों तरफ से हम लोग ये कर देते देखो आ, इसको हटाओ इसको हटाओ ये देखो ऐसे कहता तो कूल लगेगा सोचो एक बारी हो जाए तो अंदर से एक लाइट टॉर्च डाल देंगे ताकि कुछ भी स्पॉन वॉन ना हो क्योंकि वो दिक्कत तो सबसे बड़ी है ही राइट कि कुछ स्पॉन वॉन ना हो जाए वी uh, गो और इसके बाद यहाँ पर ये अरे यार भाई कितना ज़्यादा फास्ट हो रहा है भाई कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो रहा है कि ये।, <laughs> ये हो गया इसको पूरा का पूरा ऐसे करके भर देंगे धर्विको इसको तोड़ दो ये oh, yeah, ले लो ले लो ले लो जी ले लो ले लो ले लो जी दर्विको जी ये लो ठीक है ये देखो सही नहीं, नहीं लग रहा है देखो पिलर मस्त लग रहा है कि नहीं अब सोचो ये पिलर है और उसके बाद ये सारे के सारे ऊपर ब्लैक स्टोन के रहेंगे नेदरराइट की सॉरी नेदरराइट बोलता हूँ की ब्रिक्स के रहेंगे अपने पूर्व -पूर ब्लॉक्स रहेंगे भाई बहुत ज्यादा क्रेजी लगने वाला है तो मेरे को पहले दो मिनट दो मैं सबसे पहले ना इसी को पूरा का पूरा करके आता रुको मेरे को और चाहिए होंगे ऑइंक ऑइक वाले पिलर्स देर वी गो चिजल्ड ब्लैक स्टोन चिजल्ड ब्लैक स्टोन ऑइंक ऑइक वाले पिलर्स क्यों नहीं बोलते भाई ये ये तो गलत बात है ना चिजल्ट ब्लैक स्टोन अच्छा लग रहा है सुनने में या फिर तुम बताओ कोइंग पिलर्स भाई तुम लोग बताना यार कमेंट में ठीक है मेरे को तो ओइंग ज्यादा अच्छा लग रहा है चलो अब मेरे को दो मिनट दो मैं फटाफट -फड़ से एटलीस्ट पहले सारे के सारे पिलर्स कंप्लीट करके आता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ कि अगला क्या करेंगे भाई ये सबसे ज्यादा खूबसूरत समझ रहे हो लो तुम लोग सबसे ज्यादा खूबसूरत वो बनेगा हमारा क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड uh, ये ओशियन uh, मॉन्यूमेंट भाई आज तक का सबसे ज्यादा खूबसूरत ट्रांसफॉर्म्ड ओशन मॉन्यूमेंट होगा तुम देखो बस बसाइज so यार फाइनली तुम्हारे भाई ने इसको पूरा का पूरा जितने भी पिलर्स थे वो कंप्लीट कर दिए और उतने ही टाइम में यार सारे के सारे ट्रीज ग्रो करके एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस मैंने जब बोला था स्प्रूज का ट्री भाई प्लीज़ भगवान ज़्यादा बड़ा सा उगना और ये लिटरली बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही बड़ा उग गया है वैसे लेकिन ठीक है मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ है भाई अच्छी चीज़ है भाई अच्छी चीज़ है कि इतना बड़ा उग गया और एक तो स्प्रूज का ट्री हैलो क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है भाई और ये तो इसको छोड़ो भाई इसकी भाई ठीक है तो ये ऑलरेडी भाई मजाक नहीं करो काफी ज्यादा कूल cool लग रहा है भाई इसके साथ ही लाइक पिलर्स के साथ ही बहुत ज्यादा कूल cool लग रहा है बट यार ऐसा थोड़ी ना कि पिलर्स के साथ कूल cool लग रहा है तुम्हारे अच्छा ठीक है यार काफी हो गया नहीं ब्रो अभी रुको जरा मैंने देखो जितना भी हमारा प्रिजमरीन ब्रिक्स हैं ये सारे के सारे रख देते हैं अभी हमें चाहिए नॉर्मल ब्रिक्स और थोड़ा बहुत ब्लैक स्टोन भी रख रहा हूँ मैं जस्ट इन केस अगर बाई चांस हम लोग उससे कुछ और भी करेंगे तो मतलब क्या पता कुछ बना दें कुछ कर दें अब हम लोगों को क्या करना है देखो मैंने तुम्हें बताया ये हम लोग श्रूमलाइट करने वाले राइट ये हमारा पूरा पुरपुर होने वाला है राइट उसके बाद जो नीचे का एरिया है वो पूरा का पूरा हमारा ब्लैक स्टोन से होने वाला है तो मैं क्या करने वाला हूं मैं पहले ना जाके ये जितना भी ये वाला एरिया ना ये वाला सबसे पहले मैं इसको पूरा ब्लैक स्टोन से कवर करने वाला हूँ ठीक है तो मेरे को दो मिनट दो मैं मैं जरा गिर के आता तो हूँ नीचे को हैं दो मिनट दे दो हैं अरे यार वो मेरी वाटर बकेट कहाँ है वॉट मेरा अभी ध्यान गया ओके दैट इज सैड एक्चुअली क्योंकि मेरे को वाटर बकेट मेरी चाहिए थी और लाइट ये लाइट बोल रहा हूँ और ये क्या कहते अपना ये बारिश जाने का टाइम भी देखो जैसे ही मेरे को ट्राइडेंट मारने का हुआ थोड़ा सा मैंने कहा चलो ट्राइडेंट यूज़ करते हैं वैसी हाँ लाइट भी मतलब बारिश भी अभी क्या करना है हमको मैं क्या सोच रहा सोचा ये कर सकते हैं देखो सुनो फिर अपने पास काफी सारे गिल्डेड ब्लैक स्टोन है ठीक है मतलब हाँ गिल्डेड ब्लैक स्टोन ही बोलते हैं इसका गिलडेड ब्लैक स्टोन है तो एक बार करके देखते हैं कि फ्रंट एंट्रेंस है। यही है ना अपनी फ्रंट एंट्रेंस यस तो फ्रंट एंट्रेंस पे ना ये पहले हम लोग पूरा का पूरा गिल्डेड ब्लैक स्टोन लगा देते हैं इस पर ठीक है तो मेरे को अबे ये क्या ये कैसी जंप थी भाई चलो मेरे को दो सेकंड से पहले मैं इसमें ना गिल्डेड ब्लैक स्टोन और ऊपर ये वाली लाइन पे यहाँ पर गिल्डेड ब्लैक स्टोन और ये वाली लाइन पे दोनों तीनों पे पूरा का पूरा वो करके आता हूँ तो? लाइक ब्लैक स्टोन के ब्रिक्स लगा के आता हूँ तो, मैं दो सेकंड दो मैं आ रहा हूँ बस तो गाइज यार फाइनली मैंने पूरा का पूरा देखो यहाँ पे गिल्डेड ब्लैक लगा दिया है यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी ब्रिक्स है और उसके बाद यहां पर हम लोगों का लाइक चिजल्ट एक मिनट रुको मैं एक काम करता हूँ ना मैं पहले सो के आता हूँ फिर तुम लोगों को दिन की लाइट में दिखाता हूँ क्योंकि तुम लोगों को मे बी अंधेरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा हूं तो देखो अभी के लिए मैंने इसको जितना हो सकता है मेरे को थोड़ा और गिल्डेड ब्लैक्सो लगाया बट ठीक है कोई बात नहीं चलो वो तो अपना हो गया काम सारा का सारा अब मैं क्या सोच रहा हूं देखो पहले मेरा प्लान था कि ये जो नीचे वाला है ये पूरा का पूरा मैं नैदर राइट की नेदर की ब्रिक्स से करूंगा नैदर राइट मेरे दिमाग में आ गया नैदर की ब्रिक्स से मैं इसको पूरा का पूरा करूंगा बट अब मैं सोच रहा हूं कि इसको पुरपुर ब्लॉक से करते हैं मतलब बाहर के आउटलाइन अंदर नहीं इतना ज्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगा तो इसको जो बाहर की आउटलाइन है उसको हम लोग पुरपुर ब्लॉक से करेंगे और बाकी हम लोग देखते हैं और देखो ये जो ऊपर की ये लाइन है ना बीच की इसको थोड़ा सा मैं डार्क कॉन्ट्रास्ट देने की ट्राई हूँ राइट तो मैं क्या करूंगा मैं जो बीच की लाइन है ना ये ये वाली लाइनों को हम लोग बिल्कुल एकदम वो रखेंगे नेदर के ब्रिक्स रखेंगे उसके बाद यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा चेंज करेंगे ये शुरू लाइट में तुम्हें बता चुका ऑलरेडी दस बार तो गाइज यार फाइनली हम लोगों ने देखो इसको चेंज कर दिया पूरा का पूरा ब्लैक स्टोन लगा दिया और सही बता रहा टेक्सचर दे रहा है पता है ये देखो और ये धीरे धीरे करके चेंज हो गया अभी ऐसा ऑकवर्ड से लग रहा है सही बता रहा है कि ऐसे बीच में एकदम नीले नीले के बीच में एकदम से ऐसा रखा है बट ठीक है कोई बात नहीं अभी देखो ये वाला हो गया अब हम लोग क्या करते हैं फटाफट -फड़ से आते हैं नैदर में और ढेर सारे शरूम लाइट्स उठा के लेके आते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज करके शरूम्स लगा सके और दूसरी चीज एक और हम लोगों को थोड़ा बहुत वहां से नैदर के ब्रिक्स भी लाने तो दोनों काम एक साथ कर देंगे तो चलो भाई फटाफट से अपने नैदर पोर्टल के अंदर और स्टार्ट करते हैं भाई अगला काम हम लोगों ने एक तरह से ब्लैक स्टोन से जो जो काम करना था वो हम लोगों ने कर दिया है अब हम लोगों को नेदर वाला काम स्टार्ट करना पड़ेगा एंड आई होप मैं लाए फिर से चलते हैं गाइस वापस मैं अपना शुल्कर बॉक्स लाना भूल गया हूँ तो गाइस यार फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ सारा का सारा सामान लेके और तुम्हारे भाई ने ना एक और दिमाग लगाया रुको जरा मैंने क्या किया हुआ है ना देखो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने थोड़ा बहुत ये लेके आया वो माइसीलियम नहीं नाइलियम ठीक है माइसीलियम तो दूसरा ग्रीन वाला होता है तैग तो मैं नाइसीलियम लेके आया और थोड़े बहुत क्रिमसन फंगस लेके आया हुआ हूँ तो ये यहाँ पर हम लोग थोड़े बहुत उगा देंगे तो थोड़ा यू नो आसपास का एरिया थोड़ा सा कूल लगेगा क्योंकि मैंने ये लुक दिया हुआ है ना कि ये एक तरह से समझ रहे नैदर में है लेकिन नैदर बाहर को आ रहा है अरे यार ये देखो ये गलती हो गई मुझसे मैंने इसको जोड़ा नहीं है आपस में अब जोड़ूँ भी कैसे रुक जाओ आ, यस ऐसे जोड़ सकते हैं रुको ये कर देते हैं इसको यहाँ पर लगा देते हैं और बाकी दो जगह पर हम लोग ये ऐसे डाल देते हैं ठीक है तो ये खुद ही बन जाएगा ग्रीन देखो तो मैंने यही चीज़ सोच रखी ना मैंने ऐसे दिखा रखा था कि ये नीचे मतलब इसके वो जमता है क्या कहते हैं पूरा का पूरा आ, नेदर है और नेदर के नेदर बाहर को आने की ट्राई कर रहा है राइट तो ये ऐसे करके कितना तो कूल लगेगा सोचो ऐसे करके पेड़ भी उग रहे हैं थोड़े बहुत इधर उधर भाई बहुत ज्यादा मसल है आई थिंक मतलब आप बता नहीं वो तो जब हो जाएगा जब फिर आ गया तू ठीक है जब वो हो जाएगा पूरा का पूरा तब जाके अच्छा लगेगा लेकिन देखते हैं जैसे भी होगा जो भी होगा तो चलो अभी मैं सारा का सारा सामान लेके आ चुका हूँ नेदर वाला तो मेरे को दो मिनट दो मैं पूरे के पूरे सारे स्ट्रूम लाइट लगा के और जो मैं सोच रहा था बाहर से पूरा ये अपना क्या कहते हैं ब्रिक्स लगाने की नेदर की वो सारी की सारी लगा के तुमको मिलता दो मिनट के अंदर ठीक है चलो So पूरा कंप्लीट पूरा कर लिया है खून निकलने को तैयार है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई जो भी जितनी भी थकान थी ना इसको देख के मेरी पूरी खत्म हो चुकी है सो गेट रेडी इन थ्री टू वन ये रहा हमारा नया ओशियन मॉन्यूमेंट मेरे दोस्तों लग रहा है ना मस्त भाई भाई मजाक से हटके मेरे को एक और बार जाके लाइक मैंने जितना पूरा का पूरा एरिया खाली कर दिया जितना भी था मतलब बचा हुआ अपना क्या कहते हैं उसे बेस्टिन में से फिर भी मेरे को इतना ज़्यादा नहीं मिल पाया तो मैंने क्या करा मैंने थोड़ी यहाँ पे थोड़ी सी काम चोरी जैसी करी है मैंने मैंने ये करा है कि जो मेरे को ऐसे गिल्डेड ब्लैक स्टोन था फिर इसके बीच में से मैंने ऐसी ब्लैक स्टोन के वो लगा दिए बाकी ये ये था मज़ेदार पार्टी है देखो ठीक है ये पुरपुर है ठीक है ये अपने पुरपुर ब्लॉक से सारे के सारे मैं तुम्हें दिखाता हूँ देखो पुरपुर ब्लॉक्स का क्या कर रखा है मैंने रुको कहाँ किस साइड बनाया मैंने उस साइड बनाया देखो पुरपुर ब्लॉक्स इनकमिंग इन थ्री टू वन ये लो भाई मैंने पूरा का पूरा एक तरह से फार्म ही बना दिया यहाँ पे पुरपुर ब्लॉक्स का तुम समझ रहे हो यहाँ पे मस्त करके देख रहा पॉप करस फ्रूट मिल रहा है पॉप कुरस फ्रूट उठाओ यहाँ पर लाओ इसको घुमाओ अपना क्या कहते हैं पॉप पुरपुर ब्लॉक निका भाई क्या नाम है ये पुरपुर पुरपुर ब्लॉक निकालो फिर आओ यहाँ पर आओ इसको तोड़ो इतना नीचे नहीं मतलब तो एक नहीं एक ऊपर बट तुम समझ गए ना कि क्या चल रहा है ठीक है तो ये भाई कर करके कर, -कर, 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 -कर finally के करके फाइनली हम लोगों के पास पूरा का पूरा ये बन चुका है और थोड़ा बहुत मैंने और भी चेंजेस करे जैसे कि तुम लोगों को अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने इसमें जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने वो ने लगा था शुरू लाइट मैंने वो पूरे के पूरे श्रूम लाइट को हटा के यार वहाँ पर ना अभी के लिए ये लगा दिया अपना क्या कहते हैं पूरा का पूरा रुको जरा यहाँ से अरे यार अपना जो ग्लो स्टोन होता है ना मैंने ग्लोस्टोन लगा दिया ठीक है पूरा का पूरा जस्ट बिकॉज अरे यार भाई यार खड़े होने दो यार भाई बोलते बोलते बंदे को रोक रोक के तो ये देखो अभी पूरा का पूरा ग्लोस्टोन लगा दिया क्योंकि ग्लोस्टोन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था खास करके ये आग जो लग रही है ना भाई नेक्स्ट लेवल एकदम और बाकी ये देखो एंट्री भी भाई मेरे को एक और लाइक नेदर फोटोज ढूंढना पड़ा क्योंकि मेरे को नहीं पता कि रेड वाला कैसे बनाते हैं तो मेरे को फिर वही पूरा टाइम अपना दे के एक फोट्रेज ढूंढना पड़ा बट फाइनली फोट्रेज मिल गया अंदर से मैंने कुछ नहीं कराया बस जमीन चेंज कर दिया और वो भी मैंने एक्चुअली यहाँ से नहीं करी है वो मैंने पूरी नीचे से यहाँ से ऐसे करके कर दी अभी मैंने अंदर घुसा ही नहीं बेसिकली ये मैं अभी शायद से तीसरी बार या चौथी बार घुसाऊंगा अंदर यहाँ पर जस्ट कि लाइक मैंने कुछ करा नहीं है बेसिकली अंदर कुछ चेंज नहीं करेगा क्योंकि भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे को ना नींद आ रही बहुत ही खतरनाक वाली मेरे को लगा था कि ड्रेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट था बट सही बता रहा हूँ डेकोरेट करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया और थोड़ा ज़्यादा से मेरा मतलब है कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया भाई मैं मजाक नहीं कर रहा अगर तुम लोग ऐसा कुछ प्रोजेक्ट उठाने वाले हो ना भाई तो रेडी रहना कि तुम एटलीस्ट दो से तीन दिन अपने दो इसको क्योंकि मैंने तो एक सेटिंग में कैसे ना कैसे करके निकाल दिया भाई और मेरे पास लाइक लाइटर थी सामान था सारा का सारा तो थोड़ा आसान हो गया बट यार ये बहुत टफ काम है और बहुत मेहनत का काम है भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बट फाइनल रिजल्ट जो दिख रहा है ना के सामने भाई यूनिक है भाई एकदम अनोखा सा है भाई ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा कूल लगी बाकी मैंने थोड़े बहुत और लाइक वॉब्ड भी लेके आ गया थोड़ा यहाँ पर मैंने एंड के फ्लावर्स भी लगा दिए मैंने पूरा का पूरा ये कर दिया है अब तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को कैसा लगा और क्या तुम भी ऐसा कुछ खतरनाक बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहोगे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे को दस हज़ार से ज़्यादा कॉमेंट्स ये इस वाली वीडियो में यार कम ऑन गई तुम लोग कर सकते हो भाई मेरे को तुम लोगों पर भरोसा है देखो मैंने इतना कर दिया तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा तो थो कर ही दो और बाकी मैं अगली स्ट्रीम में गारंटीड एक विदर मारने वाला हूँ क्योंकि मेरे को ना देख रहे हो वहाँ पर एक बस्ता है वो मेरे को लगाना ही लगाना है भाई कैसे भी क्योंकि ना ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा थो, थोड़ा सा थो टेढ़ा लगा है तो अगर एक इसके बगल में और लग जाएगा ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा कूल लगेगा फिर मैं कलर कॉम्बिनेशन भी दे सकता हूँ कुछ पर्पल कर देंगे कुछ तो कर देंगे मतलब बेसिकली तो वही चीज़ है बाकी कैसा लग रहा है बताना भाई यार वार्ड लग गई लेकिन काम जो हुआ है ना मेरे एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार ये बहुत ज़्यादा प्यारा लाइक कैसे बोलूँ भाई और ये देखो ये ये तुम लोगों ने शायद से ध्यान नहीं दिया होगा यहाँ पर मैंने एक मस्त करके ड्रैगन के हेड भी लगा रखे है, है ना कूल भाई मेरे को वह बता रहा भाई तुम्हारा भाई जो है छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और बाकी मैंने अभी के लिए सारे माइंड शाफ्ट बंद नहीं करे ठीक है तुम लोग सोच रहे हो क्यों तो भाई मैं एक बार माइंड शाफ्ट पूरी एक्सप्लोर करूँगा किसको पता भाई हम लोग को एक नेदर में मिल चुका है क्या पता दूसरा भाई गोल्डन इंचांडेड एप्पल कहाँ मिल जाए और बाकी मैं तो सारे स्नाउट बैनर और अपना जो गोल्डन इंचांडेड एप्पल था वो तो भाई प्यार से इज्जत से एकदम अपने एंडर चेस्ट में छोड़ के आ गया भाई मेरे को डर तो लगेगा ना आदमी को भाई वो चीज़ जानी नहीं चाहिए भाई अगर मैं गिर गुरा गया कहीं पर मर मुरा गया तो भाई वो नहीं जाना चाहिए मेरा तो अभी ओ वो देखो वो देखो दिखा तुम्हें गायब हो गया भाई था वहाँ पर एक स्लाइम आया था दो सेकंड के लिए और गायब हो गया उसके बाद ये भी सही है यार डर गया होगा मेरा खतरनाक वाला भाई ओशन मॉन्यूमेंट देख के अब गाइज एक लास्ट चीज चलो फटाफट से सोते हैं और उसके बाद मैं तुम लोगों को ये पूरे का पूरा ओशन मॉन्यूमेंट एक बार एक काम करते हैं रात में भी देखते हैं और फिर सुबह को भी देखेंगे ये पूरा का पूरा ओशियन मॉन्यूमेंट मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मस्त करके शेडर्स लगा के भाई कि शेडर्स में कैसा तो लगता है एक बार देखते हैं भाई मैंने खुद नहीं देखा सच्ची बता रहा हूं ओ भाई 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 डैम भाई ये रिफ्लेक्शन देख रहे हो तुम लोग भाई क्या गजब लग रहा है रे क्या क्रेजी नहीं लग रहा है एकदम ही ओ भाई ये तो भाई सो जाओ भाई सो जाओ भाई मेरे को सुबह भी देखना है इसको एक बार भाई क्या कोई जब लग रहा है और सही था रहे है। मैंने ग्लोस्टोन लगाना ग्लोस्टोन से थोड़ा अलग सा शेड टाइप का रहा है टेक्सचर टाइप का रहा है ना वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा है भाई अब ये सोते हैं और सुबह को देखते हैं भाई ये कैसा लगेगा लेट्स गो वन टू थ्री ओ भाई साहब ओ भाई भाई, भाई।, भाई। ये बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई शेडर में इधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है इस पे भाई देखो एक बारी <laughs> यार ये क्या है यार ये फिर आ गया देखा मेरे को पता था ये है यहाँ पे ये बस थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गया होगा भाई ये शेडर्स में क्या कूल लग रहा है नहीं भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा भाई तुम्हें अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता रहा है क्योंकि मैं तो भाई फ़ैन हो गया इसका भाई लग गया इसको टाइम बनाने में लाइक मैं दिन से लगा हुआ हूँ अभी रात के डेढ़ बज चुके हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं दो या ढाई बजे के आसपास बैठा था इसको बनाने के लिए और अभी रात के डेढ़ बज रहे तो ऑलमोस्ट बारह घंटे लग गए मेरे को मे भी थोड़ा ज़्यादा लग गया हो थोड़ा रेस्ट भी किया लाइक काम वाम मतलब समझ रहे हो तुम लोग थोड़ा खाना वाना भी खाया मैंने लेकिन फिर भी उसके बाद भी भाई इसको करने में मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा बट फाइनल रिजल्ट इज समथिंग एल्स भाई तो गाइस यार ये थी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज यार लाइक वाले बटन को बिल्कुल तबाह कर दो भाई लाइक वाले बटन को तोड़ दो बिल्कुल जल्दी से और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा यार प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल तीन मिलियन की तरफ को जा रहे हैं थोड़ा पास आ गए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन यार मिलते हैं अगली बार तब तक ले बाय बाय थैंक यू सो मच